नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपके लिए लाए हैं केरल की 5 दिन की यात्रा की पूरी प्लानिंग। अगर आप भी इस खूबसूरत राज्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि इन 5 दिनों में कौन कौन सी जगहें आपको जरूर देखनी चाहिए। Day 1, कोची। कोची, जिसे कोचीन भी कहा जाता है, केरल का प्रमुख शहर है और यह आपकी यात्रा का पहला पड़ाव होगा। फोर्ट कोची। यह क्षेत्र अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और चाइनीज फिशिंग नेट्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप पुरानी इमारतों और कला दीर्घाओं का आनंद ले सकते हैं। सांता क्रूज बेसिलिका। यह चर्च कोची का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ का स्थापत्य और वातावरण बहुत ही शांति देने वाला है। यहूदी सिनेगॉग। मट्टनचेरी में स्थित यह सिनेगॉग भारत का सबसे पुराना सिनेगॉग है। इसके अंदर की टाइल्स और कांच का काम देखने लायक है। मट्टनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है, यहाँ आप केरल की राजसी संस्कृति और इतिहास का अनुभव कर सकते हैं। शाम को आप मरीन ड्राइव पर टहल सकते हैं और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। Day 2, मन्नार। मुन्नार एक हिल स्टेशन है और यह अपने चाय बागानों और खूबसूरत हरीबरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। टी म्यूजियम और टी गार्डन। यहाँ आप चाय उत्पादन की प्रक्रिया देख सकते हैं और ताज़ा चाय का स्वाद ले सकते हैं। मुन्नार के चाय बागानों की सैर एक अद्वितीय अनुभव है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ियाँ और हरियाली आपके दिल को खुश कर देंगी। अट्टुकल वाटरफॉल्स। यह जलप्रपात मुन्नार के सुंदर स्थलों में से एक है। यहाँ का शांत और प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुकूनदायक है। टॉप स्टेशन। यहाँ से आप पश्चिमी घाट और तमिलनाडु की घाटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यह स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत ही खूबसूरत लगता है। Day 3, थेक्कडी। थेक्कडी एक वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ का पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ आप बोट सफारी का आनंद ले सकते हैं और जंगली जानवरों जैसे हाथी, बाघ और विभिन्न पक्षियों को देख सकते हैं। स्पाइस प्लांटेशन टूर। थेक्कडी में विभिन्न मसालों के बागानों का दौरा कर सकते हैं। यहाँ आप मसालों की खेती और उत्पादन के बारे में जान सकते हैं। Day 4, अलेप्पी। अलेप्पी, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, अपने बैकवाटर्स और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट क्रूज। यहाँ का मुख्य आकर्षण है हाउस बोट में बैकवाटर्स की सैर। आप हाउस बोट में रहकर सुंदर बैकवाटर्स का अनुभव कर सकते हैं और ताजे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं। अलेप्पी बीच। यह बीच अपनी सुंदरता और साफ सफाई के लिए जाना जाता है। यहाँ का सूर्यास्त बहुत ही मनमोहक होता है। कुमराकोम बर्ड सेंचुरी। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। Day 5, कोवलम। कोवलम एक प्रसिद्ध बीच डेस्टिनेशन है और यह तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। कोवलम बीच। यह बीच अपनी सफेद रेत और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप तैराकी, सनबाथिंग और विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। लाइट हाउस बीच। यह कोवलम का सबसे प्रमुख बीच है। यहाँ से समुद्र और आसपास के इलाकों का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। हवा बीच। यह बीच सर्फिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लहरें सर्फिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। समुद्र बीच। यह बीच बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 5 दिन का केरल यात्रा का प्लान। केरल एक अद्भुत राज्य है जहां आपको हर प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का अनुभव मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सूरज ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।